आज मिली अलमिन कॉलेज में एक ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन और इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट का अनाकत किया गया। ये प्रोग्राम मोहम्मद कासिम और जुबैदा खातून एडुकेशन ट्रस्ट के तरफ से किया गया था। इस मौके में दानिश तनवीन ने बच्चों से बहुत सारी बातें कही और उन्हें नसीहत दी कि वो तालीम से जुड़े रहे और ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरीके से करें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ज़माने में बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, हम पे बहुत तरीके की मुसीबतें, और इसमें सबसे ज़रूरी कि हम अपने तालीम से जुड़े रहे। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद कासिम एंड जुबैदा खातून एजुकेशनल ट्रस्ट, एक ट्रस्ट एक सिर्फ आपका जाकर एक पूरा क्योंकि ये तालीमी सके पे है। इस ट्रस्ट का काम है जो गरीब बच्चे और जो बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं उनको तालीम की तरफ लाना, तालीम की तरफ उसको आगे करना, और इसके ज़रिया इंशाअल्लाह रहमान एजुकेशनली प्रोग्राम होते रहेंगे। अभी जिस तरह से आपने देखा, आज हमारा क्विज ऑनलाइन क्विज, ये अक्टूबर पूरा हम लोगों का ऑनलाइन क्विज और ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन चला, ऐसे और भी प्रोग्राम जो है होते रहेंगे। क्विज मास्टर, आपका जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में आप बच्चों के जो बच्चों से जो सवाल आते हैं उससे आप कितना मुतमईन हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो मुकाबला हमने शुरू किया था पहले रबी अव्वल से, जिसमें मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक के 150 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, और इसमें हर उम्र हर शोबे के लोग शामिल थे और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ हॉल में भी जब पूरे कलकत्ता हावड़ा ज़िला से पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ लाए तो इन लोगों का हौसला देखकर हमें भी बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह बच्चों में दीनी और इस्लामी आगही का मेयार अच्छा खासा है। आप अपना नाम बताएं और इस ट्रस्ट में आप किस पोजीशन पर? मेरा नाम अशफाक खान है और हम इस ट्रस्ट के ट्रेजरी है। ये जो ट्रस्ट है मेरे मामू जान ने स्टार्ट किया है, मेरे लेट नाना नानी जान के नाम से, और इनका मकसद है कि गरीब बच्चों में एजुकेशन और जो बच्चे डिजर्विंग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके, उनकी पढ़ाई को बढ़ावा मिल सके, इसलिए हम लोगों ने ट्रस्ट। बच्चों को आप उन बच्चों को खासतौर पर क्या तालीम देना चाह, क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बच्चे तालीम से दूर होते जा रहे हैं, ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं? कि ड्रॉप आउट कोई मसला नहीं है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी है, सबका ड्रॉप आउट का एक ही रीज़न है कि घर के फाइनेंशियल पोजीशन, और ये ऐसा बोलने से कभी नहीं चलेगा। हम लोग को खुद को मुताला करना होगा स्टडी के जानिब, तभी हम लोग को खुद होगा पढ़ाई। गार्जियन को खुद से मुताला करना होगा कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे भी करके पढ़ाए। खाना पीना तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं है देर इज़ नथिंग, देर इज़ नॉट एजुकेशन देर इज़ नथिंग। बहुत बहुत